गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम कौशल है। मैंने 1995 में राजपुरा टाउन में कॉमर्स की कोचिंग देनी शुरू की, जिसमें यहाँ पर प्लस वन, प्लस टू, बीकॉम, एमकॉम, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस इंटर और एमबीए की सभी प्रकार के अकाउंट्स की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोर्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, हर सब्जेक्ट की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जो इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लस वन के सब्जेक्ट अकाउंट्स का पहला टॉपिक, बेसिक टर्म्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसेट्स, कि एसेट्स क्या होती है बिजनेस की। तो एसेट्स मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी बिजनेस के पास ओनरशिप हो, जिसका बिजनेस मालिक हो, उसे हम बोलते हैं कि हमारी एसेट होती है। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर हमने बोला है एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस की एसेट होनी चाहिए वो। मतलब कि अगर मान लो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, अगर वो घर पे यूज हो रही है तो हम उसे बिजनेस के एसेट नहीं मानेंगे। सिर्फ वही एसेट इंक्लूड करनी चाहिए जो बिजनेस के एसेट हो। तो फर्स्ट पॉइंट है एसेट, मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी मनी के रूप में वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती हो, मनी वर्थ हो, उसे हम बोलते हैं कि वो एसेट है। सेकेंड पॉइंट, कैन बी परचेज एंड सोल्ड बाय द बिजनेस, कि उसको बिजनेस के द्वारा खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज हो। अगर बिजनेस के द्वारा उसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो हम उसे बोलेंगे वो एसेट है। थर्ड पॉइंट, ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो बिजनेस प्रॉपर्टी या ऐसा जो भी है वो बिजनेस के नाम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप किराए की दुकान लेके, किराए पर बिल्डिंग लेते हो और वहां पे अपना बिजनेस चलाते हो, तो वो आपकी एसेट नहीं है, चाहे भले ही उसकी मनी के रूप में वैल्यू भी है और हम उसको बिजनेस में यूज भी कर रहे हैं, उसका हम फायदा भी उठा रहे हैं, पर क्योंकि हमारे पास उसकी ओनरशिप नहीं है, हमने किराए पर लिया है बिल्डिंग, तो हम उसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट के रूप में नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उसकी ओनरशिप नहीं है। फोर्थ पॉइंट, बेनिफिट्स कैन बी अचीव बाय द बिजनेस, और एसेट हम उस चीज को मानते हैं जिसका बेनिफिट बिजनेस को मिल रहा है, मतलब जो हमारे बिजनेस में यूज हो रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, तो हम मानते हैं कि हमारी एसेट है बिजनेस के लिए। फिफ्थ पॉइंट, एसेट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, और एसेट टेंजिबल भी हो सकती है, मतलब उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मनी के रूप में वैल्यू होती है, ओनरशिप होती है, वो उसे हम एसेट मानते हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हीकल्स, कार, तो ये हमारी टेंजिबल एसेट है। और ये इनटेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख और छू नहीं सकते पर फिर भी उसकी मनी के रूप में वैल्यू होती है, हम बिजनेस में उसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है गुडविल, कि कोई फर्म क्या होती है, अपने अच्छी रेपुटेशन होने के कारण, अपने नेम एंड फेम होने के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है, तो उसे भी हम गुडविल को, गुड नेम को, गुड रेपुटेशन को भी एसेट मानते हैं, चाहे वो इनटेंजिबल भी हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड मनी रिसीवेबल फ्रॉम अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। और एसेट्स में हम उन व्यक्तियों को भी शामिल करते हैं, जब वो अमाउंट भी शामिल करते हैं जो हमने दूसरे लोगों से लेने होते हैं पैसे। जैसे कि एग्जाम्पल है डेटर्स, डेटर्स हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हमने उधार सर्विस प्रोवाइड की है, या हमने उधार गुड्स बेची है उनको, पर अभी तक हमने पैसे रिसीव नहीं किए, अभी तक हमें पैसे मिलने हैं, तो हम उसे भी डेटर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि हमारी वो एसेट है। फर्स्ट पॉइंट है उसकी मनी के रूप में वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है उसको बिजनेस में खरीदा और बेचा जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो,
चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो। थर्ड, ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब कि बिजनेस उसका मालिक होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप बिल्डिंग किराए पे लेते हो तो आपकी बिल्डिंग नहीं है वो, तो आपकी एसेट नहीं मानी जाएगी क्योंकि आप उसे रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो। और बेनिफिट कैन बी अचीव बाय द बिजनेस, जब हम उस एसेट को बिजनेस में यूज करेंगे तो हमें उसका लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए कुछ ना कुछ। एसेट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, एसेट टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, मतलब हम उसको देख भी सकते हैं और उसको देख नहीं भी सकते, जैसे कि गुडविल, गुड रेपुटेशन। और लास्ट, एसेट आल्सो इंक्लूड मनी रिसीवेबल फ्रॉम अदर पर्संस, और एसेट में वो मनी भी इंक्लूड है जो आपने लोगों से लेने होते हैं पैसे, जिसको आपने उधार सर्विस दी है या उधार कुछ बेची है, आप उससे पैसे लेने हैं, जैसे कि डेटर्स, तो उनको भी हम अपनी एसेट मान लेते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों